चनावद में नर्मदा किनारे बसे ग्राम टोकसर में सरपंच पद की उम्मीदवार की नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। वहीं परिवार वाले मृतका का शव सिविल अस्पताल लेकर आए, जहां पर पीएम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। वहीं मामले में पुलिस जांच कर घटना के कारणों का पता लगा रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में दूसरे चरण में मतदान होना है। इसी के अंतर्गत ग्राम पंचायत टोकसर में आदिवासी महिला के लिए आरक्षित होने के बाद चुनावी माहौल चल रहा था। वहीं सरपंच पद की उम्मीदवार पिंकी पति अशोक घर से नदी में नहाने गई। बहुत देर बाद घर नहीं लौटने पर महिला के पति ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। वहीं गांव के नाविकों ने नदी में महिला की साड़ी को बहते हुए देखा, जिसकी सूचना उन्होंने सरपंच धनगीर गोस्वामी को दी और सरपंच ने चौकीदार को भेजा, जिसके बाद नाविकों ने महिला को बाहर निकाला। तब मालूम हुआ कि ये शव पिंकी का है। परिवार वालों ने बताया कि वो हर रोज की तरह नहाने के लिए नर्मदा किनारे गई थी। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में होने वाले सरपंच पद के चुनाव में पिंक की उम्मीदवार होकर लड़ रही थी। क्या पैर खिसला, क्या करा, यह अपन को मालूम नहीं। बाद में पता चला कि यार लाल साड़ी दिख रही है, तो इन्होंने वहां के मछुआरों ने कहा कि उसको फ़ोन लगाया सरपंच को, सरपंच ने चौकीदार को भेजा, उसने निकाला तो वो डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी मिली तो हम इधर उधर ढूंढ रहे थे, ऐसा पता लगा, जाके देखा तो हमारे ही परिवार की बहू दिखी। परेशानी थी क्या कुछ? नहीं, कोई परेशानी, कोई लड़ाई झगड़ा, नहीं कोई लड़ाई झगड़ा कोई। इस घटना के बाद गांव में शोक का वातावरण है। वहीं टोकसर से होने वाले चुनाव की तारीख भी निर्वाचन आयोग द्वारा आगे बढ़ाई जाने की संभावना है। खरगोन से शुभम बगलानी की रिपोर्ट।